So students, till now we have discussed about the contraceptive methods. That is the first half of this chapter, which consists of the contraceptive methods, right? The contraceptive methods, that are the temporary and the permanent methods, or the natural and the artificial methods. We can categorize it according to whatsoever the categories we can, right? That is, you want to categorize it accordingly to this, क्या कहते हैं इसको, परमानेंट या टेम्परेरी के हिसाब से अगर आप करना चाहो तो उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हो कैटेगराइज, या आप इसको कैटेगराइज कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेस हाउ इट इज हैपनिंग, वेदर इट इज अ नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल. दैट इज यू नीड टू गेट इट आर्टिफिशियली और दैट इज ऑलरेडी अ नेचुरल प्रोसेस बाय विच वी कैन जस्ट हैव द बर्थ बर्थ कंट्रोल, राइट? सो दैट इज जस्ट जनरेटिंग द अवेयरनेस. द सेकेंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर दैट कंसिस्ट ऑफ द fertility techniques, that is if the couples, they are not fertile, that is if they are having certain of the problems related to that, that is in their body there are certain of the problems, and there are some of the techniques which are assisting in reproduction. First half mein humne padha ki why the reproduction is like, jo reproduction hai it is taking place for, you can say, commonly, and the population is exploding out, that is the population is like rising very high, theek hai. So usko control karne ke liye humne first half mein padha. सेकेंड हाफ में हम पढ़ रहे हैं दैट इज अबाउट द इनफर्टाइल कपल्स, दोज हु आर नॉट हैविंग एनी चाइल्ड इन देयर फैमिली, सो हाउ कैन दे बी मेड कैपेबल ऑफ गेटिंग द चाइल्ड. सो दैट इज द रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स विच हैव बीन असिस्टिंग इन द रिप्रोडक्शन. सो दीज आर कॉल्ड एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, reproductive technology, that is ART, ART, assisted reproductive technology. This is one S also, theek hai. So this is assisted reproductive technology. The assisted reproductive technologies, they may vary from the complication. Now here from this particular part you can get to have a question like ki agar complication female मेल मेल गैमेट्स के बनने में है, फीमेल गैमेट्स के बनने में है, या कॉम्प्लिकेशन कहाँ पे है, दैट इज द फीमेल एंड द मेल दे आर प्रोड्यूसिंग देयर गैमेट्स बट द फीमेल बॉडी इज नॉट पॉसिबली सपोर्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो. थर्ड कैन बी अ प्रॉब्लम रिलेटेड विद, जहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन में भी हेल्प कर रही है बट द फीमेल बॉडी और द यूट्रस बॉडी दैट इज नॉट एक्चुअली हेल्पिंग इन द इम्प्लांटेशन. तो ऐसी जो प्रॉब्लम्स साथ में आ रही हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द फैक्टर इज, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस पर्टिकुलर इनफर्टिलिटी, व्हाट इज द रीजन, सो आफ्टर दैट नोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम ओनली वी कैन गेट टू हैव द क्योर, एंड दैट विल बी फ्रॉम द आर्ट, एनी ऑफ द टेक्निक्स फॉलोड आफ्टर द आर्ट. बट इन आर्ट देयर आर नंबर ऑफ द टेक्निक्स. अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, हो सकता है आपको रीजन दिया गया हो और आपसे टेक्निक पूछा हो कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कपल में, तो अब बताइए कि इसमें से कौन सा टेक्निक फॉलो होगा, ठीक है? या फिर क्वेश्चन आ सकता है लाइक यू आर गिवन अ टेक्निक एंड देन यू कैन बी आस्क्ड लाइक क्या रीजन हो सकता है कि कपल इज फॉलोइंग दिस टेक्निक, ठीक है? सो इस तरह से आपको यहाँ पे से जो क्वेश्चन है, यूजुअली यहाँ से आर्ट वाले क्वेश्चन इस तरह से बनेंगे, आर्ट पार्ट से. सो दिस इज द फर्स्ट इज द टेस्ट ट्यूब बेबीज, दैट इज द IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. Test tube baby, having a test tube baby through this technique, that is the in vitro fertilization or IVF, that actually helps in whether there is the gametes which are being produced, they are properly produced or not, they will be ejaculating out or they will be collecting out the sample of the gametes. ठीक है, the doctors in concern, जो भी practitioners होते हैं वो क्या करेंगे, gametes जो है वो दोनों parents से available किए, उसके बाद they will be helping in the in vitro fertilization. In vitro fertilization means in the artificial conditions, in the laboratory conditions, these two gametes will be allowed to fuse further. Okay. Then depending upon whether if the female's body or the fallopian tubes can support the growth of the zygote, that is the formation of the embryo. If it can, then there will be followed after will be the EU, that is a ET, that is a embryo transfer. ठीक है, सो एम्ब्रियो ट्रांसफर दिया जाएगा इफ आफ्टर IVF द सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द फेलोपियन ट्यूब ओनली. इफ देयर इज नॉट दिस पर्टिकुलर सपोर्ट टू द एम्ब्रियोज फॉर्मेशन, जायगोट के लिए पहले चेक किया जाएगा कि अगर जायगोट इसमें सीधा ही फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाए तो क्या ये आगे फर्दर डेवलपमेंट्स को सपोर्ट करेगा या नहीं.
तो डिपेंडिंग अपॉन जायगोट की फिलोपियन ट्रांसफर करवा दीजिए, दैट इज अ जायगोट इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर. इफ जायगोट इज नॉट सपोर्टेड, एम्ब्रियो ट्रांसफर. इफ एम्ब्रियो इज नॉट सपोर्टेड, देन द ट्रांसफर इज मेड टू द यूट्रस बॉडी. ठीक है, यूट्रस बॉडी, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर, दैट इज ओनली इधर टू द एंड ऑफ द फिलोपियन ट्यूब या टू द यूट्राइन यूट्रस बॉडी पार्ट. ठीक है, यूट्राइन वॉल्स में. तो ये दोनों चीजें देखी जा रही है, करी जा रही है. इफ पॉसिबली बोथ आर नॉट सपोर्टेड, अगर पॉसिबली दोनों चीजें ही नहीं सपोर्ट हो रही है, मतलब गेमीट्स के बाद ना तो जायगोट सपोर्ट कर पा रहा है फिलोपियन ट्यूब, ना तो एम्ब्रियो सपोर्ट कर पा रही है एंड्स ऑफ फिलोपियन ट्यूब या यूट्रस बॉडी, दोनों ही चीजें नहीं सपोर्ट होंगी, तो फिर क्या होगा? व्हाट फर्दर द एक्शन विल बी टेकन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट टेक्निक? यस, इफ बोथ ऑफ दीज आफ्टर द आईवीएफ आर नॉट सपोर्टेड बाय द फीमेल बॉडी, देन व्हाट विल हैपन, व्हाट अनदर टेक्निक कैन बी फॉलोड? यस, रेज अप योर हैंड फॉर द आंसर. व्हाट कैन बी द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस? If both of these are not supported, raise up your hand. If the mother is capable of not supporting the, neither supporting zygote nor supporting the embryo, then the mother will be having another womb, that is from another mother. Okay, so that is called as surrogacy. Okay, so that is called as surrogacy. Surrogacy is when the female's own body, the mother's own body, is neither supporting the zygote nor supporting the embryo, then this transfer is made into some other willing mother. Jo bhi mother hogi, jo bhi female body, jo bhi female person hogi, wo agar to support karna chahegi, so she can support it through her own womb. That is called as a surrogate mothers. Theek hai, they are called as a surrogate mothers. The fetus is developed, but the egg or the male gamete, that is taken from the original parents and it is made to develop within the womb of the other mother, and that is a surrogacy. Okay, so the mothers are called as a surrogate mothers, right? Now, if possibly the gametes are in the case of the female gametes, they are not possibly being formed, to kya hoga? Gamete jo hai wo acche se development ke baad uski apni hi fallopian tube ke andar ना तो वो स्प्रेड हो पा रहे हैं, मतलब ओव्यूलेशन के साथ ओवा जो है वो नहीं प्रोड्यूस हो पा रहा है, या फिर वो सपोर्ट नहीं किया जा रहा उस स्ट्रक्चर से, वहां तक की डेवलपमेंट जो है वो स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर रहा फेलोपियन ट्यूब, तो कौन सी टेक्निक लगाई जाएगी, बताओ? हाँ जी, हाँ जी शिवम, वन सेकेंड, एक सेकेंड. हाँ जी शिवम बोलो, व्हाट विल बी द मैम? गिफ्ट, गिफ्ट, दैट इज GIFT, है ना? सो GIFT विल बी making this possible. Why? Because it is the gamete intrafallopian transfer. Gamete intrafallopian transfer means GIFT. Ab GIFT ne kya kiya? Gamete intrafallopian transfer se kya hoga? The gamete will be transferred directly after its germination. Matlab kya hai ki isko ek particular stage of development pe sara remove out kar diya jayega from the mother body. It will be further supported and it will be implanted into the you can say it will be inserted within the fallopian tubes ampulloestomic junction, jahan male gamete baad mein disperse karwa ke fusion diya jaye fertilization, but provided the female body again should be supportive to these stages. theek hai, agar support nahi kar rahi hai to GIFT bhi uska bhi karane ka zarurat ya keh sakte hain, GIFT ko bhi matlab follow karne ke liye ya practice karne ke liye this should not be there. pehle ye check karna padega ki whether the female body is supporting it or not. ठीक है, अगर फीमेल बॉडी सपोर्ट ही नहीं कर रही है देन देयर इज नो यूज इन दैट, राइट? फीमेल बॉडी की सारी चेंजेस पहले सपोर्टिव हैं या नहीं ये पहले चेक करना है. ठीक है, देन इसके बाद और कौन सी टेक्निक है? हाँ जी, देयर इज ICSI, दैट इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस ICSI टेक्निक? हु विल टेल मी? रेज अप योर हैंड. शिवम, तुषार, तुषार जी बोलो. इंटरसाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. इट इज इंटर और इंट्रा? इंट्रा, इंट्रा, इंट्रा. दिस इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? व्हेन इज दिस टेक्निक यूज्ड? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, व्हेन इज दिस टेक्निक यूज्ड? हाँ जी, रेज अप योर हैंड. व्हेन इज दिस टेक्निक यूज्ड? ओनली शिवम एंड तुषार आर हियर टू आंसर. व्हाट अबाउट द अदर्स? अदर्स आल्सो थिंक ऑफ.
शिवम यू टेल मी देन मैम जब स्पर्म की इजेकुलेशन का काउंट कम हो या फिर इजेकुलेट करने में प्रॉब्लम हो तो हम सीधा ओवम के साइटोप्लाज्म में स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं यस दैट इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक का मतलब क्या है साइटोप्लाज्म किसका ओवा का ठीक है ये न्यूक्लियस है ये ओवा का साइटोप्लाज्म है ओवा के साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली मेल गैमेट जो है वो अपना क्या होता है नॉर्मल कंडीशन में क्या है देयर आर मेनी ऑफ द स्पर्म्स दैट विच आर प्रोड्यूस्ड राइट at once that is the number of the sperms which are produced they all reach up to the ova also and when they reach up to the ova there are numerous that will degenerate outside only one gets the entry towards the ova's cytoplasm aise hi hota hai lekin agar male gametes ka production in the male body already less hai so there will be still less chances in the natural fertilization so under that condition if the couple is possibly not bearing the child just because of this creation this kind of the problem then under that condition what is done is the male gametes they are directly injected into the cytoplasm of the ova the male gametes contain all the content of the male gamete that is collected and it is injected into the cytoplasm of the ova theek hai so that is the ICSI so GIFT ZIFT embryo transfer and IVF that is followed after by the two techniques surrogacy these are few techniques haan ji any other technique yes vitesh ji haan ji bolo mam ye intra gift mein bhi mam intra aaya mam intra kyun nahi likh rahe hum isme intra ka kya matlab intra ka matlab hota hai within inter ka matlab hota hai outside the structure but between the two structures inter and intra do terms hai bio mein hamesha same meaning hi rahega throughout bio inter and intra जब हमने यूज किया था इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस IUD है ना तब भी हम इंट्रा वर्ड लिखते हैं दैट इज विद इन द यूट्रस जिस भी यूनिट की या ऑर्गन की या जिस भी चीज की बात कर रहे हैं विद इन दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करोगे तो इंट्रा आउटसाइड दैट स्ट्रक्चर आउटसाइड बट बिटवीन दो सच स्ट्रक्चर्स जैसे दो ओवा अगर पड़े हैं इन दोनों के बीच में अगर हमें इसका स्पर्म इंजेक्शन जो है वो देना था तो दैट इज पॉसिबली इंटर ऐसा होता नहीं है ओवा एक ही है तो एक में ही हमने यहाँ पे विद इन द साइटोप्लाज्म वी हैव टू इंजेक्ट सो दैट इज इंट्रा ओके यू हैव टू यूज दिस टर्म्स वेरी प्रॉपरली अब आपको सपोज यहाँ पे फुल फॉर्म ही लिखने आ जाती है चूज द करेक्ट ऑप्शन और वहां पे आपको इंटर साइटोप्लाज्मिक और इंट्रा साइटोप्लाज्मिक ये डिफरेंस पे क्वेश्चन तो पक्का आएगा अगर आएगा फुल फॉर्म में बिकॉज इंटर टोटली चेंजेस द मीनिंग एंड इंट्रा इज विद इन दैट स्ट्रक्चर गॉट इट हाँ जी ठीक है यहाँ पे एक और टेक्निक हम ऐड कर सकते हैं दैट इज द एम्ब्रियो ट्रांसफर में मैंने जैसे बोला दो जगह है जहां हम एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर सकते हैं कहाँ कहाँ पे इफ आई लुक आउट फॉर द डायग्राम ऑफ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये है दिस इज द ओवरी पार्ट है ना सो द ओवा दैट रिलीजेज आउट फ्रॉम द फिलोपियन ट्यूब दिस इज रिलीजिंग आउट फ्रॉम द फिलोपियन ट्यूब लाइक दिस राइट So when the ova is removing out from the fallopian tube, it is going through. There is ampulla isthmus junction where the fertilization takes place at this point. Let's say, ठीक है ये जो point मैंने mark किया. अब यहाँ तो fertilization हो गया तो यहाँ zygote है. तो ये सारा fallopian tube का part embryo stages के लिए है. Further embryo ही यहाँ पे आके implant करता है. It is all embryo, right? So embryo transfer can also be we can just consider or categorize embryo transfer as the normal embryo transfer when it is less than 8 embryo transfer tab tak ke liye when there is less than 8 cells in the embryo less than 8 cells ka stage jab tak hai jab tak kehne ka matlab kya hai jab tak fallopian tube ke andar humne transfer karna hai tab tak aap ye term use karo embryo transfer and if it is more than 8 cells hai agar available embryo mein and we need to implanted either at the end of the just at the start of the uterus or into the uterine wall membrane endometrium yahan pe agar hum implant karna hai if it is more than 8 of the cells then we use the technique that is called as IUT what is this IUT yes IUT fir se wahi dono bachche kyun हाँ जी तो शार बोलो इंटर यूट्राइन ट्रांसफर इंट्रा इंट्रा इंट्रा
इंट्रा, इट इज नॉट इंटर, इट इज इंट्रा. हो जाता है बीच में कभी कभी, हाँ मिक्स हो जाता है. इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर मतलब हम यूट्रस में डाल रहे हैं, यूट्रस की वॉल्स के अंदर फिक्स करवा रहे हैं इसको, इंट्रा. ठीक है, इट इज नॉट इंटर, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर. सो दीज आर द टेक्निक्स एंड दैट इज इट. एक आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स दैट इज द मेल गैमेट्स आर इंजेक्टेड आर्टिफिशियली इनटू द फीमेल ट्रैक्ट. ठीक है, द सीमेन दैट इज कलेक्टेड फ्रॉम द ऑब्वियसली द कपल्स मेल. ठीक है, जो कपल में मेल है उनसे जो मेल का सीमेन कलेक्ट कर लिया जाता है एंड इट इज आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड ईदर डायरेक्टली टू द यूट्रस और टू द वजाइना ऑफ द फीमेल. बिकॉज देयर इज यू कैन से द पॉसिबल रीजन कैन बी द मेल मेल्स सीमेन दैट इज नॉट हैविंग दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज दैट इट कैन बी ट्रांसफर्ड इजिली टू द फीमेल बॉडी. ठीक है, सो अंडर दोज कंडीशन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द टेक्निक्स. यू कैन राइट दैट आर्टिफिशियल insemination, that is only simply injecting the male gametes which are collected artificially and then it is inseminated within the female's body into either the vagina or to the uterus of the mother. Okay, the semen is collected. Got it? So this is about the chapter number 4, reproductive health. These two parts are very very important. Whenever you get to have the questions from this particular chapter, reproductive health, then the questions are divided from the two parts. One is to prevent the fertilization and second part is explaining how to enhance the fertilization. But this is for only the infertile couples, not the naturally fertile couples. Okay, so this is for the infertile couples, how to enhance it in the infertile couples and how to have the birth control in the case of the fertile couples. So both the parts are equally important of this chapter. Okay, so now we have some of the questions followed for this MCQs as well as the case-based questions, also assertion reasons. So we will start with the first I have here are assertion reasons. No, these are MCQs. Okay, so I start with the first that are the MCQs. So you'll be raising your hand and giving the answer. First is amniocentesis is a technique too. What is this technique for? Estimate essential amino acid in the body, detect chromosomal anomalies in the fetus, reverse sex of the fetus, correct the genetic disorders of the fetus. Yes. Tushar, I want full participation. Beta, those who are all are present. Then B. B. This is to detect the chromosomal anomalies. Yes. Right. So this is chromosomal disorders jo hain, wo pata chalte hain isse amniocentesis se. But it was wrongly used for detecting the sex of the child also. ठीक है, तो वो भी अगर यहाँ पे it is used, it is a technique too. वो भी अगर आता है तो it is wrongly used. It is not appropriately used. Amniocentesis इस तरह से कभी use नहीं हो रहा था. It was in the foreign countries though it is used like this way only. That is for because before the birth they tell the sex of the child whether it's a boy or a girl. But here in India there is female feticide a big problem. जिसकी वजह से दिस इज नॉट एंटरटेन्ड हियर इन इंडिया. सो यहाँ के लिए आपका आंसर होना चाहिए डिटेक्ट क्रोमोसोमल एनोमलीज. नेक्स्ट इज व्हाट इज करेक्ट अबाउट अ टेस्ट ट्यूब बेबी. हाँ जी, फर्टिलाइजेशन इन फीमेल्स, जेनाइटल ट्रैक्ट एंड ग्रोथ इन अ टेस्ट ट्यूब, रेयरिंग और प्रीमेच्योर बॉर्न बेबी इन एन इंक्यूबेटर, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड एंड गेस्टेशन इनसाइड द मदर्स वूम. And both fertilization and development are done outside the female genital tract. Other students, please give me the answers. Yes, Yashika, very good. Tell me. Ma'am, C, fertilization outside and gestation inside mother's womb. Very right. Fertilization outside and gestation inside the mother's womb. Very correct. Very right. Okay, this is fertilization sirf outside ho raha hai, IVF mein hai na. Baki to development humne bola na, EU karao ya ZIFT karao. IUT कराओ, तो जो भी है उसके बाद डेवलपमेंट जो है वो अंदर ही होगा फीमेल वूम के अंदर. द बर्थ कंट्रोल डिवाइस नॉट यूज्ड बाय द वुमेन इज व्हाट. यस यशिका. मैम सी, निरोध. डायफ्राम, ऑरल पिल, कोपटी आर ऑल फॉर फीमेल एंड निरोध इज नॉट. गुड. नेक्स्ट इज द प्रीनेटल टेक्निक टू डिटरमिन द जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन अ फिटसेस. अगेन द एमनियोसेंटेसिस डन, अभी पढ़ा हमने. ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन. टेस्ट ट्यूब बेबी इज अ टेक्निक वेयर
अब यहाँ से बताओ, zygote is taken from the oviduct cultured and then implanted, ovum is taken out then fertilized and implanted, sperms and ova are fused and zygote grown in a test tube, none of these. Yes, हाँ जी बताओ यशिका. मैम ovum is taken out and then fertilized and implanted. Very good. This ova is taken out then fertilized and implanted. थर्ड वाले में मेल एंड फीमेल के बीच सब फ्यूज्ड इज ओके, बट द जायगोट इज नॉट ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब. ठीक है, दैट इज नॉट व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ टेस्ट ट्यूब बेबी. इसके लिए नहीं कहते इसको टेस्ट ट्यूब बेबी. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इट इज डन इन द आर्टिफिशियल कंडीशंस ओनली. ठीक है, सो आंसर विल बी यस बी, ओवा इज टेकन आउट देन फर्टिलाइज्ड एंड इम्प्लांटेड. प्रोजेस्टेरोन इन द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, व्हाट इज द रोल ऑफ इट? यस टेल मी. Raise your hands, Gitesh, Mankirat, other students, those who are present today, Mayank, Vidisha, Yashika, Shivam, Tushar, Anji, bache, baki bhi bolo, Yashika answer dehi ja rahi hai, baki kahan hai? There are the other students. Yes, Tushar, tell me. Progesterone in the contraceptive pill. Mam, D aega. All of these prevents ovulation, yes, inhibits estrogen, checks attachment of zygote to endometrium. ये भी होता है इसका रूल. ये तो नहीं होता है. Mam, दोनों ऊपर वाले तो correct है शायद. दोनों में क्योंकि inhibit करते हैं. प्रोजेस्टेरोन ऑब्वियसली इनहिबिट एस्ट्रोजन, वो तो चलो ठीक ही है, लेकिन यस मैम ओवुलेशन भी एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव हम यूज कर रहे हैं ना, सो उस टाइम पे क्या कर रहा है? इट इज इधर इनहिबिटिंग ऑव्यूलेशन. ए आएगा फिर तो. ए आएगा, प्रिवेंट्स ओवुलेशन. हां जी यशिका आप बताओ. मैम ए ही आएगा. ए क्यों आएगा, बी क्यों नहीं आएगा? मैम क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल पूछा है, तो मेरे ख्याल से पर्टिकुलरली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के लिए तो वो ओव्यूलेशन ही प्रिवेंट करता है. यस, एंड इट इज आल्सो मेंशन इन योर एनसीईआरटी आल्सो, दैट इज द प्रोजेस्टेरोन एज अ हार्मोनल. जब भी हम इसमें चेंजेस लेके आते हैं बॉडी में थ्रू द पिल्स, ठीक है, तो वहां पे ओव्यूलेशन जो है वो नहीं होगी. या मैंने कल बताया था आपको कि यूट्रस की जो लाइनिंग है उसके अंदर कुछ चेंजेस ले आते हैं. ठीक है, तो हॉर्मोन्स केमिकल्स जो भी हैं या तो ये ओवा के ऊपर हिट कर रहे हैं या ये यूट्रस लाइनिंग के ऊपर करते हैं अपना चेंज जो भी शो करते हैं. सो हेयर इट इज प्रिवेंटिंग द ओव्यूलेशन. ठीक है, अदरवाइज इनहिबिटिंग द एस्ट्रोजन, दैट इज ऑल्सो ओके, बट बिकॉज प्रोजेस्टेरोन एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इट्स मेन रोल इज टू प्रिवेंट द ओव्यूलेशन एंड हेंस कंट्रोल द बर्थ. ठीक है, अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज. हाँ जी, अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज. हाँ जी शिवम, शिवम यशिका एंड तुषार, ओनली थ्री ऑफ यू गिविंग आंसर्स, बाकी क्या कर रहे हैं? आईयूडीज लास्ट वाला, दैट इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज आईयूडी. जीआईएफटी, आईवीएफ एंड ईटी, ये सारी क्या है? दीज आर द टेक्निक्स ऑफ गिविंग बर्थ, है ना, बाय द इनफर्टाइल कपल्स. सो दिस इज लास्ट आईयूडीज. वो आई की जगह एल लग रहा है, but it is IUDs. okay, which is related to males here, very easy. हाँ जी, हाँ जी बोलो यशिका. मैम वैसेक्टोमी. क्यूपेक्टोमी में तो हम गलती कर देंगे, it is C वैसेक्टोमी. yes. Next is copper tea prevents what? Copper tea prevents what? Ovulation, fertilization of egg or implantation of embryo or both fertilization and implantation. Yes, Gitesh. Second. MD aega. And G? D aega. E to option hi nahi hai. डी कह रहा हूँ मैम. डी डी एज अ डॉन, है ना. ओके, सो दिस इज बोथ बी एंड सी, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड इम्प्लांटेशन ऑफ एग.
मैम अनम्यूट कर दो मैम, ऐसे हैंड रेज करना पड़ता बार बार। कोई नहीं बेटा, यू पुट योर हैंड एंड ओनली आई विल कम टू नो ना हु इज आंसरिंग, एंड इवन आई विल कम टू नो हाउ मेनी टाइम्स यू हैव आंसर्ड करेक्ट, है ना? ओके ओके मैम। हाँ, दिस इज बोथ बी एंड सी, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, दे आर बोथ हिंडर टुगेदर, दैट इज बाय कॉपर टी, करेक्ट। ओके, लास्ट वन क्वेश्चन करते हैं, 10th, एंड देन वी शिफ्ट टू द अदर टाइप ऑफ द क्वेश्चन, असर्शन रीजंस। लैक्टेशनल एमेनोरिया इज रिलेटेड टू व्हाट? टेम्पररी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, एब्सेंस ऑफ मेंसुरेशन, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, आर एसटीडी नेम? यस अगेन गीतेश, हाँ जी देखा, ऐसे फास्टेस्ट फिंगर पता चलता है। हाँ जी, पी आएगा मैम, पी आएगा, एसटीडी नेम? नहीं नहीं, बी कह रहा हूँ मैम, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लैक्टेशनल एमेनोरी। ओके शिवम, आप बताओ। मैम टेम्परेरी मेथड आएगा, वो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन को एमेनोरिया कहते हैं, लैक्टेशनल एमेनोरिया दूसरा होता है। लैक्टेशनल एमेनोरिया इज ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड ओनली, इट इज एक्चुअली लीडिंग टू द कॉन्ट्रासेप्शन, सो इट इज अ टेम्परेरी मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, करेक्ट, वेरी गुड, वेरी राइट। ओके, नाउ वी शैल स्टार्ट विद द अदर क्वेश्चंस, दीज आर द असर्शन रीजंस क्वेश्चंस, ठीक है, पुट डाउन योर हैंड्स ऑल ऑफ यू, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द असर्शन रीजंस नाउ। ओके, सो असर्शन रीजन, अ पर्सन शुड बी कंसिडर्ड रिप्रोडक्टिवली हेल्दी, ये हमने पहले किया हुआ है, गेस नहीं किया, a few students were there, okay, let us start with again, a person should be considered reproductively healthy if they have healthy reproductive organs but are emotionally imbalanced, nahi kiya, batao, haan ji, is this true or false, first let you read the questions first, ye pehle question ki answers pad lo, both reason and true hai, correct explanation hai a, then not correct explanation b, a true or false and c, then both are false d, a true or false is c। ओके, अब बताइए मुझे वेदर द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। यस यशिका, बताओ। मैम फॉल्स है। व्हाय फॉल्स? मैम क्योंकि इमोशनली इंबैलेंस्ड लिखा है, इमोशनली बैलेंस्ड होना चाहिए। वेरी गुड, यू हैव टू लुक फॉर द वर्ड्स वेरी क्लियरली, एंड देयर इज ओनली वन ऑप्शन विद द फॉल्स, ना, असर्शन फॉल्स सिर्फ एक ही है डी के लिए, सो आंसर विल बी डी हियर। रीजन पढ़ने में और दिमाग लगाने में टाइम वेस्ट मत करना, पहले आप अपनी आंसर्स पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है? ओके, सेकंड इज फैमिली प्लानिंग इज एन एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ अमंग पीपल, ट्रू और फॉल्स? जी कितेश बोलो। यस मैम, ट्रू है कि फॉल्स है? मैं मैंने अभी पढ़ा नहीं है फैमिली प्लानिंग इज नेक्स्ट। हां जी पढ़ो, सेकंड का असर्शन, फैमिली प्लानिंग इज एन एक्शन प्लान टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ अमंग पीपल, ट्रू इज, सही है मैम? यस ट्रू, इट इज ट्रू। रीजन बताओ गीतेश, वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स? इंप्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज वर प्रोपेगेटेड बाय आरसीएच टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल, सही होना चाहिए मैम ये भी? ये भी सही है, तो क्या ये सपोर्ट कर रही है रीजन असर्शन को? डज दिस एक्सप्लेन्स द असर्शन? मैम नहीं, शायद शायद क्यों, बी श्योर? रीजन रीजन इसको रीजन मैम सही नहीं है, ये तो कोई और नई लाइन है ना। अच्छा यशिका, व्हाट इज योर व्यू, इज इट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन और नॉट? मैम रीजन में आरसीएच की बात की गई है और assertion में फैमिली प्लानिंग की, तो रीजन जस्टिफाई नहीं कर रहा है assertion, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा आंसर, है ना, assertion की स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा। लाइक यहाँ रीजन में क्या है, इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज वर प्रोपेगेटेड, मतलब वो बता रहा है कि ये वाले जो प्रोग्राम है वो आरसीएच ने चलाए थे अवेयरनेस लाने के लिए, और दूसरी तरफ वो बता रहा है कि फैमिली प्लानिंग भी एक एक्शन प्लान है जिससे हेल्थ को ध्यान में रखा जा सकता है, तो दोनों दे आर नॉट गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, है ना गीतेश? ओके जी मैम। हाँ जी, सो इसलिए द आंसर विल बी बी नॉट ए, बिकॉज दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स, राइट? ओके ओके, सो योर टाइम इज ओवर, वील कंटिन्यू फ्रॉम हेयर ओनली, द सेम असर्शन रीजन आई विल ओपन आउट, एंड अगेन फर्दर आई हैव ऑल्सो टेकन द
दीज क्वेश्चंस केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं मेरे पास, तो कल हम दोबारा फिर से यहीं से शुरू करेंगे assertion reason and the case based questions, right? So anything you want to ask from me? Hanji Pitesh, want to ask anything? Hanji Shivam ji, what do you want to ask? Ma'am,